मेरी ख्वाहिश थी मैं इस शो में एक लेडी मिमिक्री आर्टिस्ट को लेके आऊ। आपको इस बात पे गर्व लेना चाहिए कि आज महिला नारी कोई क्षेत्र में पीछे नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर प्रीत पारेख के लिए एक बार जोरदार तालियां। कितना नचाओगे? सारा पेमेंट डांस में ही वसूल करोगे क्या? तो दोस्तों, पता नहीं कॉमेडियंस की एंट्री डांस से क्यों होती है। कॉमेडियन आता तो है कॉमेडी करने के लिए, लेकिन डांस से एंट्री मारता है। तो खुशामदीद, सुस्वागतम, वेलकम, वड़कम, भले पधार्या, इससे आगे मुझे आता भी नहीं है। तो मैं डॉक्टर प्रीत पारेख आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैसे अब तो हार्दिक बोलते हुए भी डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे मुंह से हार्दिक निकला वहां से पुलिस आ गई। तो दोस्तों, गुल नहीं लाई गुलशन नहीं लाई, मैं तो कलाकार हूं, अपनी कॉमेडी की भेंट लाई। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच। तालियां बजाने का मन हो तो बजा सकते हैं यार, तालियों में अभी तक टैक्स नहीं लगा है, डोंट वरी। तो ऐसा है कि मैं एक सिंगर, एंकर और कॉमेडियन हूं, और साथ साथ गीत, गजलें, कविताएं और पैरोडीज भी लिखती हूं। तो आज आपको सुनाने जा रही हूं अपनी म्यूजिकल पैरोडीज की म्यूजिकल कॉमेडी, जिसे कहते हैं म्यूजिकल इंडिया। जी हाँ, हम और आप, नाचना, गाना, बजाना, ये सब में माहिर है। हर किसी के अंदर एक कलाकार बसा हुआ है। अभी आप देख रहे थे ना, स्टेज पे आके सब नाच रहे थे, तो वही सारे इंडियंस म्यूजिकल हैं। तो शुरुआत करती हूँ शुरुआत से, यानी कि 1942 से, जब हमारा देश आजाद हुआ तो सारे देशवासी म्यूजिकल हो गए, और ऐसे में सबने मिलके आशा जी के अंदाज में ये देशभक्ति गीत गाया। जवान गांधी जी हसीन कस्तूरबा, जवान गांधी जी हसीन कस्तूरबा, मिले वो तो यहाँ देश आजाद हो गया। जवान गांधी जी हसीन कस्तूरबा, मिले वो तो यहाँ देश आजाद हो गया। अरे यार, आजादी की खुशी में ये भी भूल गए, ये देशभक्ति सॉन्ग नहीं था, ये क्लब सॉन्ग था। तो बात ऐसी है कि हाँ, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेताओं की। और हमारे नेता, वैसे हमारे नेता भी कम म्यूजिकल नहीं है। कहते हैं कि जितने चैनल्स टीवी के, उतने चेहरे नेता के, और टीवी चले रिमोट से, नेता चले नोट से। तो भाई ऐसा है कि जब कॉमेडी की बात आती है तो याद आते हैं कौन? लालू प्रसाद यादव। जी हाँ, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब क्या खाते हैं? चारा, और उसके बदले में क्या देते हैं? दूध। लेकिन लालू प्रसाद यादव चारा खाते हैं और उसके बदले में क्या देते हैं? डायरेक्ट रबड़ी, बीच में कुछ भी नहीं। तो भाई ऐसा है कि कुछ साल पहले लालू प्रसाद यादव को जेल की सजा सुनाई गई थी चारा घोटाले में। तो उस वक्त, अभी लालू तो लालू है, लल्लू नहीं है, तो उस वक्त उन्होंने और राबड़ी देवी ने, दोनों ने मिलके ये ड्यूएट गाया था, वो भी पुराने जमाने की सिंगर सुरैया और श्याम के अंदाज में। तू मेरा लालू, मैं तेरी राबड़ी, मैं तेरा लालू, तू मेरी राबड़ी, ओ बारी है डॉक्टर्स की। भाई आज हर किसी की बारी आने वाली है, कोई भी नहीं बचने वाला।
तो दोस्तों जैसे मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मैं एक स्टेज सिंगर भी हूँ, वैसे हमारे देश के डॉक्टर्स वो भी बड़े म्यूजिकल हैं। तो हमारे देश के डॉक्टर्स जब अपने पेशेंट्स को, वैसे यहाँ पे कोई डॉक्टर है कि नहीं है, क्या नहीं है, ओके सो नहीं तो इधर मार पड़ेगी। ऐसा है कि हमारे देश है क्या कोई है हाँ, तो भाई इधर आकर मारपीट मत करना। तो हमारे देश के डॉक्टर्स जब अपने पेशेंट्स को क्लिनिक पे अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मुकेश जी के अंदाज में ऐसे गाने गाते हैं, कोई जब तुम्हारी कमर तोड़ दे, तड़पता हुआ रास्ते पे छोड़ दे, कोई जब तुम्हारी कमर तोड़ दे, तड़पता हुआ रास्ते पे छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना डियर, ये क्लिनिक खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, कोई जब तुम्हारी कमर तोड़ दे। जी हाँ, डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स, हमारे देश के पेशेंट्स ये भी बड़े म्यूजिकल हैं। अब क्या है कि कुछ पेशेंट्स लेडी डॉक्टर्स के ऊपर लट्टू हो जाते हैं और फिर हाँ सच्ची बात है, सच्ची है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो ऐसा है कि उसके पीछे लट्टू हो जाते हैं और फिर रोमांटिक होके रफी साहब के अंदाज में ऐसे गाने गाते हैं, गरीब जान के, गरीब जान के हमको न तुम बता देना, तुमने दर्द दिया, तुमने दर्द दिया है तुम ही दवा देना, गरीब जान के। और अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक शेर अर्ज है कि तन्हा खड़ा था मैं, वो आके मुझसे सट गई, तन्हा खड़ा था मैं, वो आके मुझसे सट गई, मन ही मन खुश हुआ, चलो लड़की पट गई, जब निकला मदहोशी से, जब निकला मदहोशी से देखा तो जेब कट गई। जी हाँ, बात कर रही हूँ हमारे देश के कुछ खास प्रोफेशनल्स की जिनको कहते हैं जेब कतरे। अब क्या है कि हमारे जेब कतरे जब वो भी म्यूजिकल मोड में आते हैं तो महेंद्र कपूर के अंदाज में ऐसे गाने गाते हैं और भोली भाली जनता को चैलेंज देते हैं, तेरी जेब का आसरा चाहता हूं, तेरे पर्स का आसरा चाहता हूं, सफा कर रहा हूं नफा चाहता का आसरा चाहता हूँ, सफा कर रहा हूँ नफा चाहता हूँ तेरी जेब का। थैंक यू सो मच। और इसके बाद उन लोगों की बारी है जो हमेशा न्यूज के चक्कर में सेलिब्रिटीज के पीछे पड़े रहते हैं। जी हाँ, मैं बात करती हूँ जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स की। वैसे हमारे देश के जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स ये भी बड़े म्यूजिकल माइंडेड हैं। तो जब वो कोई सेलिब्रिटी का पीछा करते हैं तो पीछा करते करते किशोर कुमार के अंदाज में ऐसे गाने गाते हैं, डरता मैं नहीं चाहे हो जमीन चाहे आसमान, जहां भी तू जाएगी मैं वहां चला आऊं तेरा पीछा, छोड़ूंगा सोने बिछाना, मैं छोड़ूंगा सोने भेजते चाहे जेल में, पब्लिसिटी के खेल में, मीडिया के इस फील्ड में, पब्लिसिटी के खेल में। तो भाई इनके बार बार एक और शेर अर्ज है कि जिसे दिल देना था वो दगा दे गई, जिसे दिल देना था वो दगा दे गई, खुश रहो मेरे भैया ये दुआ दे गई। तो हमारे देश के शुद्ध देशी आशिक जब कोई गर्लफ्रेंड उनको धोखा दे जाती है तो उनका बुरा हाल होता है, और ऐसे हाल में कॉमेडी फिल्म पड़ोसन का
गाना वो कुछ इस अंदाज से गाते हैं। एक चतुर नार करके सिखाते, चतुर नार बड़ी होशियार कर प्यार की बात फिर मर पिला, कर प्यार की बात फिर मर पिला, लगी जोर से लात अरे आई 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 आई। और दोस्तों हमारे शो के ऑर्गेनाइजर पप्पू भाई, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उनके लिए एक शेर अर्ज है कि पप्पू भाई आज का ये शानदार कार्यक्रम आपके नाम है, आज का ये शानदार कार्यक्रम आपके नाम है और सभी सुनने वालों को प्रीत का सलाम है। तो भाई आज के शो का कॉन्सेप्ट है नारी। तो भाई ऐसा है कि आज का जमाना है व्हाट्सएप का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो ऐसे जमाने की लड़कियां ये बड़ी स्मार्ट हो गई है। अगर आज के जमाने में अजीत जी होते तो क्या कहते, स्मार्ट गर्ल। तो भाई ऐसी स्मार्ट लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से शॉपिंग की डिमांड कर रही है, वो भी पुराने जमाने की सिंगर शमशाद बेगम की स्टाइल में। सैया बिल भर जाना रे, शॉपिंग भी करवाना रे, शॉपिंग भी करवाना रे, भारी जेब लाना रे, हल्की करते जाना रे, हल्की करते जाना रे। अब थैंक यू सो मच, देर से ही सही थोड़ी तालियां बजी। सो अब बात करते हैं नारी के एक दूसरे रूप की, यानी कि पत्नी की। वैसे एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनमें से कितने लोग शादीशुदा हैं? कोई भी नहीं है शादीशुदा। अब ये तो मैंने खबर थे कि अबे बता लगने लगने कुंवरा लाल होए, पर एम के फिर भी लीगली शादीशुदा कितने लोग हैं? हाँ, और पतिदेव कितने हैं यहाँ पे? तो भाई पतिदेव, जितने भी पतिदेव हैं वो सबकी एक कंप्लेन होती है, कॉमन कंप्लेन। उसके लिए एक शेर अर्ज करती हूँ कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कोई मेरी बीवी से जाके कह दो कि जरा शॉपिंग पे कम निकले। तो भाई ऐसा है कि हर पति की ये कंप्लेन होती है, लेकिन क्या है कि पति अगर पत्नी को छेड़ेंगे तो पत्नी थोड़ी पीछे रह जाने वाली है। तो अब पत्नियों की बारी है, तो पत्नी गाना गा के अपने पति को छेड़ती है। सुबह सुबह का वक्त है, अपने गोल मोल पति को साइकिलिंग करते हुए देख के पति उसके लिए गाती है फिल्म साजन का टाइटल सॉन्ग और उसको छेड़ती है। देखा है पहली बार साइकिल पे हाथी सवार, देखा है पहली बार साइकिल पे हाथी सवार। अच्छा दोस्तों, जब जब हाथी साइकिल पे सवार हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? अब होंगे आउट भी, होंगे पंचर हो जाए। देखा है पहली बार साइकिल पे हाथी सवार। और दोस्तों इसे छेड़छाड़ हंसी मजाक के साथ आपसे विदा चाहती हूँ कि भाई बागों में फूल खिलते रहेंगे, हम तुम फिर से मिलते रहेंगे, बागों में फूल खिलते रहेंगे, हम तुम फिर से मिलते रहेंगे, खुदा आपको सारी खुशियां दे दे, खुदा आपको सारी खुशियां दे दे, दर्द तो हम ही देते रहेंगे। दोस्तों ये थी डॉक्टर प्रीत पारेख। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, इनकी खासियत